नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैनोस्टैट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ट्रैनोस्टैट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ट्रैनोस्टैट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ट्रैनोस्टैट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ट्रैनोस्टैट टैबलेट का उपयोग अधिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट या कोई गंभीर चोट लगने पर, नाक से खून बहने पर, सर्जरी के दौरान अधिक खून बहने पर, पेट की आंतों में ब्लीडिंग होने पर, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने पर, महिलाओं में डिलीवरी के बाद अधिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए और दांत निकालने के बाद ज्यादा खून को बहने से रोकने के लिए ट्रैनोस्टैट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। हीमोफीलिया होने पर भी ट्रैनोस्टैट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग सामान्य रूप से नहीं होता है, जिसके कारण कोई चोट लगने पर शरीर के अंदर या बाहर ब्लीडिंग अधिक हो सकती है। कोई इमरजेंसी होने पर या कोई गंभीर चोट लगने पर डॉक्टर ट्रैनोस्टैट टैबलेट को देने की बजाय ट्रैनोस्टैट इंजेक्शन दे सकता है, क्योंकि टैबलेट की तुलना में इंजेक्शन का असर जल्दी आता है। इसके अलावा डॉक्टर कभी कभी ट्रैनोस्टैट टैबलेट को मेलाज्मा की समस्या को ठीक करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकते हैं। मेलाज्मा होने पर त्वचा पर काले रंग के दाग धब्बे हो जाते हैं, जो शरीर में हार्मोनल बदलाव या सूरज की धूप की वजह से भी हो सकते हैं। मेलाज्मा की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है, लेकिन मेलाज्मा की समस्या पुरुषों में भी हो सकती है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि ट्रैनोस्टैट टैबलेट मेलाज्मा की समस्या को कम करती है और त्वचा के कलर को लाइट करती है। ट्रैनोस्टैट एक ब्रांड नेम है। ट्रैनोस्टैट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ट्रैनेक्सामिक 500 mg होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ट्रैनोस्टैट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ट्रैनोस्टैट टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और दस्त होने की समस्या हो सकती है। ट्रैनोस्टैट टैबलेट के सीरियस साइड इफेक्ट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने पर नस में ब्लड क्लॉट जम जाता है, जो आमतौर पर पैरों में ही होता है। नस में ब्लड क्लॉट जम जाने पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द व सूजन हो सकती है, और कुछ व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसके अलावा ट्रैनोस्टैट टैबलेट की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने पर फेफड़ों की आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस होने पर ब्रेन की सेरिब्रल वेन में ब्लड क्लॉट जम जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैनोस्टैट टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। ट्रैनोस्टैट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर अधिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को ट्रैनोस्टैट 500 mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं, और मेलाज्मा की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर ट्रैनोस्टैट 250 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। ट्रैनोस्टैट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ट्रैनोस्टैट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैनोस्टैट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने पर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने पर, किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं और जिन व्यक्तियों को पैरों, फेफड़ों या शरीर के किसी भी हिस्से में पहले खून का क्लॉट बनने की समस्या हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ट्रैनोस्टैट टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना ट्रैनोस्टैट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। जिन महिलाओं को मासिक धर्म समय पर नहीं आते हैं, उन महिलाओं को भी डॉक्टर की सलाह के बिना ट्रैनोस्टैट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वैसे ट्रैनोस्टैट टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी ट्रैनोस्टैट
टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। वैसे चानोस्टैट टैबलेट माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को चानोस्टैट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका चानोस्टैट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।